गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी अपनी आई टीज डेली ब्रेकअप का स्वागत है। क्या बना रही है? मटन, पापा का फेवरेट। ओ हाँ, मैं तो आप लोगों को बोलना ही भूल गई थी, आज पापा मम्मी आ रहे हैं भुवनेश्वर से। वो लोग ऑलरेडी फ्लाइट में मतलब बैठ चुके हैं, तो वो लोग आ रहे, तो अभी जल्दी से मैं मटन बना लेती हूँ। मम्मी ने बाकी सारा खाना वगैरह बंद किया है। हाफ प्रोसेस हो गया है, अभी जस्ट स्लोली वो जस्ट मटन को थोड़ा वो भूनना हो रहा है। तो मैं ऐसे थोड़ा आके बैठ के मैं और अनिल थोड़ा टीवी देखेंगे। अनिल बोलते अभी पापा मम्मी लैंड करेंगे 3 बजे, तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी खा पी के फिर चलेंगे पापा मम्मी को लेने के लिए। वेरी एक्साइटेड पापा मम्मी को लेने के लिए। लोगों को तो पता ही होगा सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, बहुत ख़राब लगता है ऐसा न्यूज़ मिलने से। इतना मतलब फिट इंसान और इतना कम एज में सडनली ऐसा हो जाना बहुत ही ख़राब लगता है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है इतनी जल्दी जाना, सबको होता है एक ना एक दिन, बट इतनी जल्दी ये सही नहीं है, बहुत ख़राब लगा। और मेरे को स्पेशली सहनाज और मतलब सिद्धार्थ शुक्ला की मम्मी को देख के बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था कल, आज, इनफैक्ट अभी भी उनका मतलब वो सब चल रहा है, तो बहुत ख़राब लगता है। क्या कर सकते हैं, लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, कुछ सोच नहीं सकते, कुछ पता नहीं होता कब क्या क्या हो जाए। बट यही है, जितना दिन जीना है बस अच्छे से जियो, अपने लव वंस के साथ टाइम स्पेंड करो। इस सच में बहुत ख़राब लगा अंदर, ना मैं उनको जानती ना वो मुझे जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ख़राब लगता है ऐसा दिन मतलब ऐसा कुछ देखने से। बहुत ज़्यादा क्लाउडी क्लाउडी वेदर भी हो गया है, पापा मम्मी आने का भी टाइम हो गया, तो अभी जल्दी से खाना वगैरह अब तो बना चुकी हूँ। और आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज भी है, इसीलिए पापा मम्मी आ रहे हैं। एक फैमिली आउटिंग प्लान हुआ है, धीरे धीरे पता चलेगा आप लोगों को ब्लॉग्स में, नेक्स्ट कल नहीं परसों से पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। आस पास ही जा रहे, इतना दूर कहीं नहीं जा रहे, लेकिन बहुत दिनों से प्लान था कि हाँ यहाँ पे जाना है, क्लास जा रहे, तो इसीलिए उसी के कारण पापा मम्मी, उसी लिए बोल रही हूँ, उसी के कारण पापा मम्मी आ रहे हैं। अभी ज्यादा लेट नहीं करते, नहीं तो खाना जल जाएगा। लंच करना तो हो गया,
अभी हम लोग जा रहे हैं पापा मम्मी को खाने के लिए। बापरे खाने के बाद ना मैं सौंफ खा रही हूँ, मेरे खाने के बाद ना हरभरी 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 हो जाता है बहुत ज़्यादा। थोड़ा आराम से थोड़ा बैठ जाती हूँ, उसके बाद फिर निकलेंगे। हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? हम दोनों हाँ मोदी के घर, मोदी के घर जा रहे हैं। ऐसे कौन बोलता है? हम ये पापा मम्मी को लेने जा रहे हैं। ये हम तो एयरपोर्ट में आके रुके हुए, पापा मम्मी अभी तक गेट से निकलने नहीं है, वही उनके लिए वेट कर रहे हम लोग। और यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक खड़े नहीं होने देते, वही लग रहा है पता नहीं कब आके बोल देंगे कि चलो 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 निकलो। वो रहे पापा मम्मी, अनिल जा रहे उनको लेने के लिए। आ गए पापा मम्मी। मम्मी आज यूजुअल थोड़ा लेट करती आती में। और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पहचान पा रही हूँ मेरे को, लाल लाल बाल लेके आ गई हूँ। माँ बोली मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मतलब कल पापा मम्मी आने के बाद ना, मतलब हम लोग इतना ज़्यादा गप्पे वगैरह, मतलब गॉसिप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पापा मम्मी पापा दो पापा निकल गए घूमने के लिए, फिर दो मम्मी बात कर रही है, अनिल तो वैसे भी बिजी था। तो ऐसे करते करते मैं शूट भी नहीं की मम्मी, चलो कोई नहीं अभी सब, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब पता था एकदम इतना दिनों के बाद फिर से मिल रहे हैं, तो बहुत सारा बातें बातें कर रहे थे। पैकिंग वगैरह ऑलमोस्ट हम लोगों का हो गया है, ये मेरा बैग है, ये पापा मम्मी का, वो पापा मम्मी का वो वाले उनके रूम में, तो पैकिंग वगैरह ऑलमोस्ट हो गए हैं। अभी बस सुबह सुबह सबको देख लेते हैं। ये रहा मम्मी पापा का बैग। ये ब्लॉग में मैं बोलना चाहती हूँ कि हम जहाँ पे जा रहे हैं मे बी वहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू हो सकता है, एंड वीडियोस मे बी लेट हो सकता है, मे बी सब कुछ मे बी है,
तो आप लोग थोड़ा उसको बेयर कर लेना कि ऐसा मत सोचना कि कहाँ गायब हो गई, ऐसा नहीं है, मैं हूँ, इधर ही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। और आज वेदर काफी अच्छा है, पूरा एकदम क्लाउडी क्लाउडी अच्छा लग रहा है। तो लेकिन थैंक गॉड बारिश नहीं है अभी। बारिश होने से ना बहुत चिड़चिड़ा लगता है मेरे को, वो अच्छा नहीं लगता है। मतलब आज कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग का ट्रेन है, हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ट्रेन में मैं शायद लास्ट 7 to 8 years पहले शायद मैं ट्रेन में ट्रैवल की थी, उसके बाद से मैं कभी और ट्रेन में ट्रैवल नहीं की। तो मैं बहुत दिनों के बाद ट्रेन में ट्रैवल करने वाली हूँ। लेकिन हाँ, ये ओवरनाइट ट्रेन जर्नी नहीं है, ये कुछ ही घंटों के लिए है, तो इट्स ओके, कोई नहीं। फिर भी ट्रेन में तो बैठूंगी कूद झिझिझिझिझिझिझि, वो बहुत मज़ा आता है। बहुत सालों के बाद, कितने साल, 7-8 साल के बाद ट्रेन में बैठूंगी। बहुत दिनों के बाद मैंने अच्छे से हेड वॉश वगैरह कर लिया, कल सुबह इतनी जल्दी निकलना है तो टाइम नहीं मिलेगा, तो आज ही मैंने सब कुछ कर लिया। मम्मी अभी पूजा कर रही है और मेरी मम्मा, मतलब मेरी मम्मी, मदर इन लॉ, मम्मा मम्मी इग्नोर, मम्मा पूजा कर रही है और मम्मी बेड पे कुछ काम वगैरह कर रही है, उनका कुछ है पैकिंग वगैरह, फाइनल पैकिंग। मैं बोली तुम भुवनेश्वर से पैकिंग करके नहीं आई हो? मैंने यहाँ पे आके और थोड़ा सा पैकिंग करना बनता है ना। मैं बोली अच्छा, मेरा भी ऑलमोस्ट पैकिंग, मम्मी भी आ गई। हाय, हो गया पैकिंग करना? हाँ हो गया, चलो। पापा फोन में बात कर रहे हैं एज यूजुअल, यही चल रहा है। और आज संडे है और अनीर गया है मंदिर, उसको आने में टाइम लगेगा। यही सब कुछ अपडेट मैं आपको देती जा रही हूँ। तो बस दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं तक ही। आशा करती हूँ आपको मेरा ये छोटू सा व्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, हिट द बेल आइकन। मैं फिर कुछ दिनों में हाजिर हो जाऊँगी, अगर वहाँ पर नेटवर्क और वाईफाई सही से चला, सब कुछ एकदम परफेक्ट रहा, तो मैं अपडेट देती जाऊंगी, वीडियोस पोस्ट करती रहूंगी, तो नो प्रॉब्लम। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।